हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मसालों का जादू। आज हम बनाएंगे दम आलू बहुत ही इजी तरीके से। अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पर सब्सक्राइब नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दम आलू बनाने के लिए हम लेंगे आलू, जिनको हम उबाल लेंगे और इनके छिलके निकाल लेंगे। अगर आपके पास छोटे साइज़ के आलू है तो आप छोटे साइज़ के आलू ले लें। अगर आपके पास छोटे साइज़ के आलू नहीं हैं तो आप बड़े साइज़ के आलू लेकर उनको दो या चार भागों में काट सकते हैं। उसके बाद हम इसको फोक की सहायता से इस तरह से इनमें छेद कर देंगे। छेद करने से इसके अंदर मसाला अच्छी तरह से चला जाता है और हमारे आलू फीके नहीं रहते हैं। इस तरह से हम सारे आलू में छेद कर लेंगे। यह मैंने सारे आलू में छेद कर लिए हैं और इनको थोड़ा छोटा भी काट लिया है। दम आलू की ग्रेवी बनाने के लिए हम लेंगे एक बड़े साइज़ का प्याज, इसको हम लंबा लंबा काट लेंगे। एक बड़े साइज़ का टमाटर बारीक कटा हुआ, 10-12 काजू, थोड़ी सी कसूरी मेथी, दो दालचीनी के टुकड़े, दो लौंग, दो हरी इलायची, थोड़ा सा लहसुन किसा हुआ और थोड़ा सा अदरक, यह इसको भी कीस लिया है। आप इन दोनों की जगह अदरक लहसुन का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। ग्रेवी में डालने के लिए लगभग एक कटोरी दही लेंगे, इसको मिक्सर में पीस लेंगे। दही हमारा बिल्कुल भी खट्टा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, नहीं तो हमारी ग्रेवी खट्टी हो जाएगी। मसालों में हम लेंगे 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, यहाँ पर मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है, 1/2 चम्मच जीरा, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला और नमक स्वादानुसार। अब हम एक पैन में थोड़ा सा तेल गरम करेंगे और इसमें हम 1/4 चम्मच हल्दी और 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालकर इसको हिलाएंगे, और इसमें हम उबले हुए आलू डाल देंगे। आलूओं को हम अच्छी तरह से हिलाएंगे ताकि हल्दी और नमक आलूओं पर अच्छे से लग जाए, और इन आलूओं को 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, या तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि इन पर हल्का सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता है। आप इन आलूओं को डीप फ्राई भी कर सकते हैं तेल में। इन आलूओं को पलट पलट कर हम चारों तरफ से सुनहरा कर लेंगे। कुछ टाइम बाद हमारे आलूओं पर सुनहरा कलर आ गया है, आप देख सकते हैं। अब हम इन आलूओं को एक प्लेट में निकाल लेंगे। आलू निकालने के बाद इसी पैन में थोड़ा और तेल रखेंगे, आप चाहे तो दूसरा पैन भी यूज़ कर सकते हैं। तेल के गर्म होने के बाद हम इसमें जीरा डालेंगे और इसके बाद अदरक लहसुन और प्याज डालेंगे। साथ में ही हम दालचीनी, लौंग और हरी इलायची भी डालकर इसको अच्छी तरह से हिलाएंगे। प्याज को हम हल्का सा ट्रांसपेरेंट होने देंगे। कुछ टाइम बाद प्याज हमारा हल्का सा ट्रांसपेरेंट हो गया है, अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। टमाटर डालने के बाद हम इसमें सारे सूखे मसाले डाल देंगे। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला और साथ में ही काजू डालकर हम इसको अच्छी तरह से हिलाएंगे और टमाटर को नरम होने तक पकाएंगे। हम इसमें थोड़ा सा स्वाद के अनुसार नमक भी डाल देंगे ताकि हमारे टमाटर जल्दी से नरम हो जाए। नमक को हम अच्छी तरह से मिलाएंगे और टमाटर को हम नरम होने देंगे। कुछ टाइम बाद हमारे टमाटर अच्छे से नरम हो गए हैं, अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसे मिक्सर जार में डालकर पीस लेंगे। मिक्सर जार में पीसने के बाद हम उसी पैन को गैस पर चढ़ाकर इस पेस्ट को हम इस पैन में डालेंगे और इसे हम 3-4 मिनट के लिए और पकाएंगे, या तब तक जब तक कि यह तेल न छोड़ने लग जाए। पेस्ट डालने के बाद आप इसे थोड़ा ध्यान से हिलाएं क्योंकि इसमें से छींटे उड़ते हैं। आप इस दम आलू की रेसिपी में कश्मीरी रेड चिली पाउडर का ही इस्तेमाल करें, इससे कलर भी बहुत अच्छा आता है और यह उतनी ज़्यादा तीखी भी नहीं होती है। कुछ टाइम बाद ग्रेवी ने
किनारों से तेल छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। अब हम इसमें दही डालेंगे। दही डालने से पहले हम गैस को कम कर देंगे और दही डालते हुए हम इसको लगातार हिलाएंगे। अगर हम लगातार नहीं हिलाते हैं तो दही हमारा फट सकता है। दही हमें बिल्कुल फ्रेश लेना है, यह बिल्कुल भी खट्टा नहीं होना चाहिए। अगर खट्टा होगा तो हमारी ग्रेवी खट्टी हो जाएगी और हमारे दम आलू बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। इस तरह से हिलाते हुए हम तब तक इसको चलाएंगे तब तक कि इसमें एक उबाल नहीं आ जाता। एक उबाल आने के बाद हमें ग्रेवी को लगातार हिलाने की ज़रूरत नहीं है। एक उबाल आने के बाद दही हमारा नहीं फटता है। ग्रेवी में एक उबाल आ गया है। अब हम इसमें आलू डाल देंगे। आलू को डालकर हम इस ग्रेवी में अच्छे से मिलाएंगे और इसको ढककर हम 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि ग्रेवी हमारे आलूओं में अच्छे से चली जाए। चार पाँच मिनट हो गए हैं, हमारे दम आलू बहुत अच्छे से पक गए हैं। अब हम इसमें कसूरी मेथी हाथ में मसल कर डालेंगे। मेथी को मसलने से इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आती है। मेथी डालने के बाद हम इसको एक बार मिलाएंगे और इसके बाद हम इसे एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। अगर आपका दही थोड़ा खट्टा है तो आप इसमें आधी चम्मच चीनी भी डाल सकते हैं, इससे वह खट्टापन बैलेंस हो जाएगा। यह हमारे दम आलू बनकर तैयार हो गए हैं। इसे बनाने में थोड़ा टाइम लगता है लेकिन यह बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इसको आप पराठे और नान के साथ खाइए, इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल पर आप पहले से सब्सक्राइबर हैं तो नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल बटन को दबाएं।